सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग को जो ऑनलाइन में फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट लिए उसका उत्तर इस प्रकार है। आप लोग अपने प्रश्न पत्र को देखते चले और उसका उत्तर मैं बता रहा हूं, उसको सही करते जाएं। पहला क्वेश्चन है, नील कमलम कौन सा समास है? आपको विकल्प दिए हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर कर्मधारय समास होगा, यानी एक का ख। दूसरा है, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? विकल्प है क धनहीना, ख पंचवटी, ग चंद्रशेखर। तो इसका सही उत्तर है ग चंद्रशेखर। तीसरा है, पादेन खंजह किस कारक का उदाहरण है? तो ये तीसरा का क होगा, करण कारक का उदाहरण है। चौथा, अगच्छताम किस लकार का उदाहरण है? तो ये देखिए, लंग लकार यानी भूतकाल का उदाहरण, लंग लकार भूतकाल का ही उदाहरण है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, दा धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का उदाहरण है। तो क्या है द्विवचन में? दास्यतः, यानी ग वाला, दास्यति, दास्यतः, दास्यंती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, सही मिलान कीजिए। अब क में दिया हुआ है शीतलम, तो शीतलम का मिलान होगा किससे? होगा उष्णम से, विलोम यानी विलोम शब्द है। ख, ख में है निर्मलम, इसका उत्तर होगा मलिनम, इसका विलोम होता है मलिनम, यानी चौथा। ग का, ग में है जीवनम, इसका होगा मरणम, एक वाला। घ, आदानम, इसका होगा प्रदानम। अगला है अंग में गमलम, गमनम का हो जाएगा विलोम आगमनम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर टू पूरा हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, उत उपसर्ग से दो शब्द बनावे। उत से बनेगा उत्जोरनति उन्नति और उत्जोरचारणम उच्चारणम। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का आंसर है, अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते हैं किसी शब्दांश के पहले उपसर्ग लगता है, तो अनु उपसर्ग है। क्या है? अनुजोरगमनम यानी अनुगमनम अनुपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पूजयितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजा जो और तुमुन प्रत्यय लगाने पर पूजयितुम बन जाता है, तो ये इसमें तुमुन प्रत्यय है। छठा क्वेश्चन, दा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को लिखें। तो हो जाएगा ददाति एक वचन में, दत्त ददन्ति। सातवां क्वेश्चन, दानव का दो पर्यायवाची शब्द लिखें। दानव का हिंदी होता है राक्षस, इसका दो पर्यायवाची होगा दैत्य और असुर। मिलाते चले आप लोग सही सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आठ, व्यंजन संधि के संस्कृत में दो उदाहरण दें और संधि भी छेद करके उदाहरण दें। देखिए इसका उत्तर होगा जगत जोरनाथ, यानी इसमें त भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है, बराबर जगन्नाथ। उत्जोरलास उल्लास। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, व्यंजन संधि के, हाँ तो हो गया आठवां, नदीसु गंगा श्रेष्ठा वर्तते में नदीसु की विभक्ति और वचन को बताना है। कौन सी विभक्ति है, कौन वचन है? तो नदीसु होता है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन है, नद्याम नद्यो नदीसु, यानी बहुवचन में हो जाएगा नदीसु। दसवां क्वेश्चन, तत् यानी वह पुल्लिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन को लिखना है। इसमें होता है षष्ठी में संप्रदान कारक, जिसको संबंध कारक कहते हैं, तस्य एक वचन में, तयो द्विवचन में, तेसाम बहुवचन में होता है। अब ग्यारहवां क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ाई के दरम्यान परोपकार पर
अनुच्छेद लेखन बताए थे, तो उसमें ये एक श्लोक दिए थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो इसका आप लोगों को कहे थे अर्थ लिखने के लिए। तो इसमें देखिए व्यास जी 18 पुराण में दो ही वचन प्रमुख लिखे हैं कि दूसरों को भलाई करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। यह इसका सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 12 लिखा है सविग्रह समास करें। तो पहला क्वेश्चन हम दिए हैं राम लक्ष्मण, इसका सविग्रह कैसे बनेगा? तो राम च लक्ष्मण च ये द्वंद्व समास है जिसकी दोनों पद प्रधान हो, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अगला देखिए ख में है धनहीन, इसका होगा धनेनहीन विग्रह और ये तृतीया तत्पुरुष समास है। इस प्रकार आप लोग का अष्टम वर्ग का ये जो परीक्षा लिए उसका उत्तर संपन्न हुआ। आप लोग को अंक भी प्रदर्शित कर दिए हैं कितने मार्क्स कौन लाए हैं, और आप लोग मिलान कर लीजिए कौन कौन सो आंसर सही है।